भविष्य पुराण में धन प्राप्ति के लिए विशेष शास्त्रीय नियम बताए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि मनुष्य का शरीर पांच तत्वों के निर्माण से बना हुआ है। इस पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व हमारी पांचों उंगलियां करती हैं। जब इन पांचों तत्वों के द्वारा भोजन किया जाता है तो हमारे शरीर को अनंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, साथ ही हमारा शरीर निरोगी बनता है। इसलिए स्वच्छ हाथों से भोजन करना सही माना गया है। भविष्य पुराण में बताए गए नियम के अनुसार हम आपको भोजन से संबंधित कुछ विशेष नियम बता रहे हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए और इनके अनुसार ही भोजन किया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों, हमारे पुराण के अनुसार इस बात का अलग से निर्देश भी दिया गया है, यदि कोई भी मनुष्य इन सभी चीज़ों का पालन करता है और इसके अनुसार भोजन को ग्रहण करता है तो शरीर तो निरोगी रहता ही है, साथ ही साथ धन की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों के अनुसार बिना नहाए धुले भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसका कारण बताया गया है कि ये भोजन शरीर को नहीं लगता है। इसे माँ अन्नपूर्णा तो नाराज होती ही है, साथ ही इसे देवता भी नाराज होते हैं। दरअसल शास्त्रों की माने तो जो व्यक्ति बिना हाथ मुँह धोए और बिना नहाए या फिर गंदे स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं तो उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, साथ ही साथ घर में धन धान्य की कमी और अलग से परेशानी का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य भी खराब रहता है। भोजन करने का सबसे उपयुक्त स्थान जमीन है। इसके अलावा बिस्तर, सोफा, कुर्सी आदि पर बैठकर भोजन करना धार्मिक दृष्टि से गलत माना गया है। वहीं शास्त्रों में भोजन की पहली रोटी गाय को निकालने की बात कही गई है। अगर किसी कारणवश आप रोटी गाय को नहीं दे पाते हों तो भोजन शुरू करने से पहले अपना पहला ग्रास भगवान के नाम का निकालना चाहिए और फिर उनको धन्यवाद देकर भोजन शुरू करना चाहिए। अक्सर भोजन करते समय कुछ अंश जमीन पर गिर जाता है, पर हम सामान्यतः इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में जमीन पर गिरा हुआ भोजन पैरों के नीचे भी आ जाता है, जो कि गलत है। दरअसल धार्मिक दृष्टि से अन्न को पैरों से लगाना बहुत बड़ी गलती या भूल मानी जाती है। ऐसे में अगर भोजन करने के दौरान जब अन्न नीचे गिर जाए तो उसे उठाकर रख लें और किसी चिड़िया चींटी को डाल दें। वहीं अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हों तो फिर उसे उठाकर किसी साफ स्थान पर जरूर रख देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं की यदि माने तो बचे हुए भोजन को कचरे में फेंकने या अपवित्र स्थान पर डालने से या फिर घर में खड़े खड़े भोजन करने से, जूते पहनकर खाने से व्यक्ति की आयु कम होती है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेते हैं और फिर जब भूख खत्म हो जाती है तो थाली में वैसे ही भोजन को छोड़ देते हैं, जबकि थाली में बचा हुआ जूठा भोजन वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है थाली में भोजन छोड़ने से देवी लक्ष्मी नाराज होकर घर से दूर चली जाती है और इसके कारण घर में धन आगमन बाधित होता है। ऐसे में उचित यही होगा कि बचे हुए भोजन को किसी जानवर को आप खिला दें। भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को धन्यवाद हमेशा देना चाहिए, क्योंकि अन्न में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए उनको प्रणाम करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अप्रसन्न होती हैं, जिससे मनुष्य को धन की हानि होती है। भोजन से पूर्व भोजन के मंत्र का उच्चारण करने से भोजन का पाचन सही प्रकार होता है, साथ ही शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। इससे और एक बहुत ही अच्छा फायदा होता है, यदि आप भोजन से पूर्व मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का असर लंबे समय तक दिखाई पड़ता है और आपका सभी काम बिना रुकावट निर्विघ्न पूरा हो जाता है। भोजन हमेशा एक ही स्थान पर बैठकर करना चाहिए। यदि आप भोजन करते समय बार बार उठते हों तो इससे धन की हानि होती है। जिस भोजन को आपने त्याग दिया है उसे दोबारा ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर आयु की हानि होती है।
दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं और इनको करने से जीवन में चमत्कारिक रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को आज की यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होंगी और बहुत ही काम की होंगी। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।